एक मुंडा अपनी नवी व्याही दुल्हन नूं घर लिजाण तों बाद बेहद ही ज़्यादा खुश सी। उस दे चेहरे तों ही देखा जा सकता सी कि वह अपनी नवी व्याही लाड़ी नूं घर लिआण तों बाद नचदा टपदा फिर रहा है। पर उस तों ही कुछ समय बाद, मान लो कि 4 दिन बाद, जदों वह अपनी लाड़ी नूं उसके पेके परिवार के नाल मिलाउण अते उन्हां दे कोल गलबात करन दे लई जांदा है, तां उस समय एक अजिही दर्दनाक घटना इस मुंडे दे नाल वापर जांदी है, जिस नूं दसदे होए भी मुंडे नूं रोना आ जांदा है। यह सारी खबर सामने उस समय आई है जदों नवी व्याही लाड़ी 4th दिन ही अपने बॉयफ्रेंड दे नाल फरार हो गई। भज्जण तों पहलां दुल्हन ने पूरी प्लैनिंग कीती होई सी, अते यही नहीं, इस लाड़ी ने अपने नाल लिजाए गए लखां रुपए अते करीब 86,000 रुपए की नकदी भी वह छड़ के नहीं गई। इस सारे इल्जाम मुंडे वालियां दे वल्लों इस कुड़ी ते लगाए गए ने, पर व्याह तो 4 दिन दे विच ही किस तरह दे नाल इसने एक लंबी चौड़ी प्लैनिंग की अते पार्लर जाण दे बहाने अपने बॉयफ्रेंड दे नाल फरार हो गई। लाड़ी बीती रात 15 फरवरी नूं पंजाब दे पिंड राजपुरा दे विच, दस दिए कि यह मुंडा राजपुरी का रहन वाला है। पंजाब दे राजपुरा दे नाल संबंधित मुंडे का विआह अंबाले की कुड़ी दे नाल तय किया गया सी। कुछ ही दूरी ते सोहरा ते पेका परिवार सी, सारे जने खुश नज़र आ रहे सन, नचते टपते हुए पूरा विआह किया गया। 15 फरवरी नूं वैलेंटाइनस डे तो अगले दिन विआह होया सी। राजपुरे का मुंडा अपनी बरात लैके लाड़ी नूं लैण चला गया अते इस मौके तो बाद उसनूं नहीं पता सी कि यह खुशी महज 4 दिन की है। पति ने महेश नगर थाने दे विच हुण शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। पति ने कहा कि वह पत्नी जिहड़ी कि उसकी जिंदगी खराब करके चली गई, उसके नाल 7 जन्मां दियां कसमां खा के गई सी, लावां फेरे लैण तो बाद वह किंज इंज कर सकती है, उसनू समझ नहीं आ रही। दोहां परिवारां दे विच लड़ाई का कारण यह कुड़ी बन चुकी है। 4th दिन ही जदों अपने घर पेके परिवार वह फेरा पाण आउंदी है तां उस मौके ते प्लैनिंग दे अनुसार वह फरार हो जाती है। मुंडे दे वल्लों दस्सिया गया कि 15 फरवरी नूं उन्हां दा विआह पिंड कारदान दी रहण वाली कुड़ी दे नाल होया सी। ऐतवार नूं जदों वह फेरा पाउण दे लई उन्हां दे पिंड पहुँचते ने तां उत्थे फेरा पा के वापस आउण समय वह राजपुरा ही जा रहे सन, पर अचानक ही प्रभु प्रेमपुरम पहुँचे तां उत्थे ही उन्हां दी पत्नी ने गड्डी रुकवाई अते कहा कि वह ब्यूटी पार्लर वाली दे बचदे पैसे दे आवे, क्योंकि उसने विआह ते काफ़ी ज़्यादा खर्चा कीता सी अते उसदे ही पैसे ब्यूटी पार्लर वाली दे देने रहिंदे सन। ये कहिंदे उसने गड्डी रुकवाई अते उत्थों उतर के चली गई। इस मौके ते उस मुंडे दे वल्लों दस्सिया गया कि उसकी भाभी भी उसकी पत्नी दे नाल गई सी, पर फिर भी पहलां कीती हुई प्लानिंग दे अनुसार बाइक लैके एक मुंडा खड़ा होया सी। उसकी पत्नी उस बाइक ते बैठ के फरार हो गई। उसकी भाभी इन्नी ज़्यादा हैरान रह गई कि उसनों कुछ समझ नहीं आया कि वह करेगी। इस तो बाद सौरा परिवार को सूचित किया गया, कुड़ी दे मापियां नूं सूचित किया गया, पर उन्होंने कोल भी इस गल का कोई जवाब नहीं सी। इस मौके ते मुंडे वालियां ने कहा कि उसकी पत्नी घर दे विच्चों सारे गहने अते करीब 85,000 रुपये भी लैके चली गई है। इन्हां गहणियां दे विच कन्नां दे कांटे, मत्थे दा टिक्का, गले दा हार, कोका अते पैरां दियां झांजरां भी मौजूद ने। फिलहाल इस सारे मामले नूं लैके गुमशुदगी दी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस दा कहना है कि जांच पड़ताल जारी है, जिवें ही इस संबंधी कुछ पता लगेगा तां मुंडे वालियां नूं इसकी खबर जरूर दित्ती जाएगी। पर 15 फरवरी नूं विआह हुंदा अते महज 4th ही दिन यह कुड़ी किस तरह के नाल फरार हो जाती है, प्लैनिंग करती रही फोन दे राही, अते उस तो बाद मुंडे दियां भी सारियां खुशियां नाल खो के लै गई, जिसनूं विआहे नूं हले 4 दिन होए सी। राजपुरा दे रहण वाले इस मुंडे ने अंबाले दी कुड़ी दे नाल विआह करवाया, पर विआह तो 4 दिनां बाद ही वह अपना हुण मत्था फड़ के बैठे है। उसकी जिंदगी दे विच ओह घटना वापरी है जिस बारे ना तो उहने अते ना ही उसके किसी परिवारिक मैंबर ने कदे सोचिया होना। रात को कंप्लेंट आई है महेश नगर पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे FIR दर्ज कर दी गई। जैसे शिकायत आती है तो सबसे पहले पुलिस जो उसमें लिखा है उसके अनुसार जो धारा बनती है उसके अनुसार FIR करती है, फिर उसके बाद उसको वेरिफिकेशन और उसकी लोकेशन और सभी का सभी वो हमारी टीम उसमें काम कर रही है। मामला दर्ज हो गया है। क्या मामला है, कौन लड़की थी, कहाँ, कौन ले गया, इसे क्या
देखिए, लड़की का नाम हम यहाँ कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आपने भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अब जैसे ही हमारे पास विवाहित लड़की है, अभी उसकी शादी 5-7 दिन पहले हुई थी, फिर उसके बाद वो लड़की कोई और लड़का भगा करके ले गया, तो उस पर पर्चा दर्ज कर दिया गया है जो लड़का भगा करके ले गया है, और हमारी टीम जो है दबिश दिए हुए है ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। फिलहाल इस सारे मामले ते पुलिस दे वल्लों जांच पड़ताल की जा रही है। ते उधर मुंडे वाले दे परिवार इस समय काफ़ी वड्डे सदमे दे विच ने कि उन्हां दे नाल इह सारी अनहोनी वापर किवें गई, पर नाल ही जदों कुड़ी दे परिवारिक मैंबरां दे नाल उन्होंने गलबात की तां उधरों कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वह भी इस गल तो हैरान ने कि किंज उन्हां दी धी व्याह तो 4 दिन बाद ही अजिही गलती कर सकती है। इस तों बाद ही उन्हें पार्लर वाली दे पैसे देण दे बहाने ही पिंड दे नेड़ियों ही घर दे नेड़ियों ही किंज उह फरार हो गई। किसी नूं समझ नहीं लगी, पर फिलहाल यह दोवें परिवार इस दे विच उन्हां दा कोई कसूर नहीं लग रहा, पर उह कुड़ी जिस दे यह गलत फैसला लैण करके दोहां परिवारां दे विच अते उस मुंडे दी जिंदगी खराब हुई है, इस नूं लै के उह परिवार इंसाफ मंग रहा है। मुंडे दा कहना सी कि मेरे नाल बहुत वड्डा धोखा कीता गया, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।